नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हिमिडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम लोग आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। जैसे ही आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में जो है न्यूली गवर्नमेंट जो है कांग्रेस की फॉर्म्ड हुई है, तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोग आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट के बीच में डाउट्स है कि कौन सी भर्तियाँ इसमें फंसेगी अब और कौन सी भर्तियाँ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो है एक कल आदेश जो है माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे, उसी आदेशों को जो है हम लोग आज आपके सामने लेके आए हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत पिक्चर क्लियर होगी कि कौन सी भर्तियों में स्टे लगने वाला है या रुकने वाली है या और कौन सी जो है कंटिन्यू रहने वाली है। तो पहली नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से जो है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को जो है जारी की गई है। देख सकते हैं आप ये कि 12 दिसंबर की ये नोटिफिकेशन रहेगी। इसमें जो है प्रीवियस डिसीजन जितने भी गवर्नमेंट ने लिए थे उसको जो है अब रिव्यू करने की बात इसमें कही गई है। तो इसमें जो है सबसे पहले तो जो रिव्यू करने के लिए बोला गया है, जो ऑल एक्सटेंशन और री एम्प्लॉयमेंट जितने भी जो है एक्सटेंशंस दी गई थी एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट के बाद या फिर जो री एम्प्लॉयमेंट की गई थी, उन सबको जो है अब खारिज कर दिया गया है, उनको जो है अब कैंसिल कर दिया गया है। सिर्फ एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में रिलैक्सेशन एक्सटेंशन या फिर री एम्प्लॉयमेंट दी गई थी उनको छोड़कर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को छोड़कर जिनका भी सेवा विस्तार या द्वारा नौकरी जिनको दी गई है उनको जो है अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो पहला डिसीजन ये था। दूसरे डिसीजन में बात करें तो जितने भी 1 अप्रैल 2022 के बाद कैबिनेट के डिसीज़न हुए थे उन सबको जो है अब रिव्यू किया जाएगा। जितने भी सेंटर जो है स्कूल अपग्रेड हुए थे या पोस्टें जो है क्रिएट हुई थी उन सबको जो है अब डी नोटिफाई कर दिया गया है। अब उसको जो है फ्रेश डिपार्टमेंट को जो है न्यूली जो फाउंड कैबिनेट होगी उस केसेस को जो है दोबारा फिर से बना के कैबिनेट में पास होने के लिए लेके आना होगा। और फिर जो न्यूली फाउंड कैबिनेट होगी वो इसमें डिसाइड करेगी कि इन पोस्टों को जो क्रिएट किया जाना है या इन स्कूलों को या फिर कॉलेजों को जिनको अपग्रेड किया गया था उनको अपग्रेड किया जाना है या फिर नहीं किया जाना है। तो जितने भी पोस्टों की हम लोग पुरानी प्रीवियस गवर्नमेंट में चर्चा करते थे कि इन आईटीआई में नई पोस्टें सेंक्शन हुई, इन आईटीआई को अपग्रेड किया गया, स्कूल को अपग्रेड किया गया है, वो सारी की सारी अब डी नोटिफाई इनकी तरफ से कर दी गई है। तो अब जो है नई पोस्टों को कौन सी क्रिएट होती है उसके लिए न्यू कैबिनेट का हमें इंतज़ार करना होगा। इसके साथ जो तीसरा पॉइंट था इसमें बताया गया है कि जितने भी अपॉइंटमेंट थी चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की या नॉमिनेटेड मेंबर थे जो अपॉइंट किए जाते थे किसी बोर्ड कॉरपोरेशन में या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस में या कमेटीज़ में, चाहे वो टेम्पल की हो या किसी और की हो, उन सबको जो है टर्मिनेट इसमें कर दिया गया है। अब किसी प्रकार की जो पुराने बीजेपी के टाइम के जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन थे उनको निकाल दिया गया है। अब जो न्यूली अपॉइंटमेंट है वो न्यू कांग्रेस की गवर्नमेंट की तरफ से की जाएगी। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है कि जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा जो इस वक्त बेरोजगार भाई हैं या फिर जो जॉब की तलाश कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, उनके लिए कि जितने भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो अभी अंडरवे है यानी कि वो चल रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में, बोर्ड कॉरपोरेशन में या ऑटोनोमियस बॉडीज़ है जो स्टेट गवर्नमेंट की इंक्लूडिंग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है, उन सबको जो है जो अब भर्तियां हैं उसको जो है अभी रोक दिया गया है, सिवाय जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और HP सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इन दोनों बोर्ड को छोड़ के, HPSSC और HPPSC को छोड़ के जितनी और भी जो भर्तियां थी उसको अभी रोक दिया गया है। और ये जो रोकने का प्रोसेस है भर्तियों का, ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज या फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए भर्तियां निकली हैं उनको छोड़ के बाकी जितनी भर्तियां थी उनको जो है अब रोक दिया गया है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 3 भर्तियां कंटिन्यू रहेगी। 1 भर्तियां जो मेडिकल कॉलेज की रिक्रूटमेंट के लिए या हेल्थ डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट के लिए वो कंटिन्यू रहेगी, दूसरी जो HPPSC की भर्तियाँ हैं वो कंटिन्यू रहेगी, HPSSC की भर्तियाँ जो है वो कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद जितने भी बोर्ड कॉरपोरेशन या यूनिवर्सिटीज़ जो भर्तियाँ ले रही है उस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अब अगले इम्पोर्टेंट दूसरी नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। इसी नोटिफिकेशन का असर आप देख सकते हैं कि चीफ इंजीनियर जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश को और ऑल सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को और ऑल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो है 12 दिसंबर को ही जो है नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की तरफ से
कर दी गई थी, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस इनको दी गई है। पहली इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें यह बताया गया है कि जितने भी पेंडिंग टेंडर है उनको जो है अब होल्ड कर लिया जाए, किसी प्रकार का जो काम है नए टेंडर में जो है अवार्ड नहीं किया जाए जब तक जो है इनको अगले ऑर्डर नहीं दिए जाते, और किसी प्रकार के नए फ्रेश टेंडर जो है अभी इनवाइट नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ जो है किसी प्रकार की फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो नहीं दी जाएगी। ये जो नोटिस है स्पेशली इनवाइटिंग जो एप्लीकेशन की गई थी पैरा स्टाफ या फिर अदर कैटेगरी के लिए, जो पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर, पैरा कुक, हेल्पर, इन सब के लिए जो है फ्रेश अपॉइंटमेंटें अब जो है नहीं दी जाएगी। जो ज्वाइन कर चुके हैं वो कर चुके हैं, लेकिन अब उसके बाद जो है किसी प्रकार की अपॉइंटमेंटें अब उनको जो है नहीं दी जाएगी फर्दर ऑर्डर के लिए। और साथ में जो है जितने भी फाउंडेशन स्टोन से या इनोग्रेशन होनी थी जो है, जिनको डैमेज किया गया था किसी प्रकार के रीज़न की वजह से, उनको जो है रिस्टोर करने के लिए बोला गया है और उनका डाटा जो है इनकी तरफ से मांगा गया है। इसके साथ साथ जो है डिटेल्स मांगी गई है और फाउंडेशन स्टोन्स की, जितने भी प्रीवियस गवर्नमेंट ने लास्ट 6 मंथ में जो है लगाए हैं, तो इसका डाटा भी जो है 15 दिसंबर तक जो है इस फॉर्मेट में गवर्नमेंट की तरफ से मांगा गया है। तो बहुत ही जल्द जो है आपको दोस्तों अब फॉरेस्ट और PWD के भी लेटर जो है पैरा पंप ऑपरेटर या मल्टीटास्क वर्करों से रिलेटेड देखने को मिलेंगे। तो इसमें साफ ये कर दिया गया है कि जो भर्तियां तो जिसमें जो अपॉइंटमेंट हो चुकी है वो तो कंटिन्यू अब रहेगी, लेकिन जो जिनका अभी भर्तियों का प्रोसेस जो था मल्टीटास्क वर्कर वगैरह का या पैरा पंप ऑपरेटर का जो अभी नहीं कम्प्लीट हुआ था, उसको जो है फ़िलहाल फर्दर आदेशों के लिए रोक दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसे डेली हिमाचल से रिलेटेड जुड़े इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग डेली कोशिश करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर लेके आएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिम इंडिया एजुकेशन।